हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। गाइस, वहां पे आप जो देख रहे हैं वो पोल्ट्री फार्म है जिसमें सालिमार कंपनी से बच्चे पड़े हुए हैं। और आज मैं आपको एक ऐसा पिटारा दिखाने वाला हूं। अभी आप देख सकते हैं ये जो मतलब टीन रखा हुआ, टीन सेट, इसके अंदर अभी मैं आपको दिखाऊंगा क्या पिटारा है। तो अभी खोलते हैं फिर आपको दिखाते हैं। भाई गजब का पिटारा दिखाने वाला हूं, तो ध्यान से देखिएगा। अभी आपको रियर कैमरा से दिखा रहा हूं। तो भाई एक बार मैं आपको दिखा दूं, ये देख सकते हैं जमीन से 2-3 फीट ऊपर मतलब ईंट से जोड़ के ये पत्रा रखा गया है जिससे टीन का मतलब वो सीमेंटेड टीन सेट, टीन बोलते हैं, सीमेंटेड है। तो अभी इसको खोल के आपको मैं दिखाता हूँ उसमें क्या है। तो भाई ये देख सकते हो, भाई खोलते ही देख सकते हो इसमें देसी मुर्गे पड़े हुए हैं। चल तो अभी मैं खोलूंगा तो ये भाग जाएंगे, इसलिए ज्यादा खोलूंगा नहीं, अभी आपको दिखाता हूँ। तो गाइज यहाँ पे देख सकते हैं इसमें देसी मुर्गे हैं, और ये जो मतलब 8-10 फीट लंबा चौड़ा बना हुआ है इसमें सब देसी मुर्गे हैं। इसमें 30 देसी मुर्गे थे, और बता दूं इनका भाई जो खिलाने पिलाने का खर्चा था वो भी बहुत कम ही है। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि इनकी मोर्टलिटी कम होती, मतलब मरते नहीं ज्यादा। इसमें देख सकते हैं पूरा दिन ऐसे बंद रहता है, और इसी में ये है। खैर इनको अगर खुले में रखा जाता तो इनका मतलब बॉडी वेट और बढ़ता और ये बड़े भी होते। ये लगभग 4 महीने के हैं और इनका वेट लगभग 2 केजी हो गया है। और इनको ऐसे बंद करके ही रखा जाता क्योंकि यहाँ पे कुत्ते, सियार और बिलार ये सब ज्यादा आती हैं, बिल्ली मतलब, तो इसीलिए इनको बंद करके रखा जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं सब देसी मुर्गे हैं। अभी एक को निकालूं, आ जा बेटा, अबे साला काट रहा है। तो भाई ये काट भी रहे हैं, देखते हैं किसी मुर्गी को पकड़ते हैं, मुर्गा तो काटेगा। हट, अभी एक को पकड़ रहे, हट बे, अबे। तो भाई इसमें देख सकते हैं कितने मुर्गे हैं और सब खतरनाक हैं। तो इनको पकड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये ठोड़ मार के काटते हैं। काट बहुत भयंकर रहा है, एक तो काट लिया। तभी मुर्गी पकड़ते, कोई मुर्गी अंदर हाथ डालेंगे तो काटेगा। तो एक मुर्गी देखते हैं निकाल पाते कि नहीं। अभी एक निकाल के फिर आपको दिखाते हैं। अभी भाई पकड़ ले, लेकिन डर लग रहा है साला, एक बार हाथ डाला तो वो बगल वाला मारने लगा, इसीलिए डर लग रहा है। देखते किसी को पकड़ पाते कि नहीं। अबे आजा। तो ये देख सकते हैं, अबे भाई कहाँ भाग रहे हो, कहाँ भाग रहे हो। तो भाई देख सकते हैं देसी मुर्गा है, इतने बड़े बड़े हो गए हैं, डाला गया था। तो इनको अपने ऐस करने के लिए डाला गया, इसको कंपनी से नहीं, ये देसी मुर्गे से में डाल दिया गया था। अभी मैं आपको दिखाऊंगा। और ये लगभग 2 किलो के हो गए हैं। तो भाई इन देसी मुर्गों को यहाँ पे देख सकते हैं, इतना बड़ा मतलब ये 10 फीट का, 10 या 12 फीट का टीन सेट है, इसी के अंदर ये जमीन में रखा गया। इनको बाहर निकाला नहीं जाता, ऐसे एक बार निकाला गया था भाई, 2-3 घंटे लग गए थे सबको पकड़ के अंदर डालने में, काउंट करने के लिए निकाला गया था। तो आज भी निकाल रहे थे, यहाँ पे देख सकते हैं हाथ पे चोट लग गया, एक तो मतलब डाल रहे थे तो हाथ उसी में ठोड़ मार रहे थे, तो बहुत ही रिस्की। अब क्योंकि बड़े हो गए तो निकाला नहीं जाता है, बाकी आपने देखा भी निकाला। तो गाइज ये सिर्फ अपने खाने के लिए पाला गया है। तो आप भी इसमें कुछ ज्यादा कास्ट नहीं आता खिलाने का, कोई भी ऐसा भूसी जो धान का पहिया होता है, मतलब धान का जो वेस्टेड होता है, मतलब जो फेंकने वाला होता है धान का, वही पार्ट इसमें डाल दिया जाता है। बाकी ऐसा उल्टा सीधा कूड़ा कचरा डाल दिया जाता है, वही खा के ये इतने बड़े हो गए हैं। मतलब इसमें कोई अलग से खर्चा नहीं लगाना पड़ता है। तो इनको रखा गया है अपने खाने के लिए। बाकी ब्रॉयलर मुर्गी वहां पे देख सकते हैं, वहां कंपनी वाले पड़े हैं। तो गाइज अगर आप भी देसी मुर्गी पाल रखे हैं तो बताइएगा उनमें कितना कास्ट आता है उनको पालने में। और भाई हाँ एक चीज़ है कि ये अभी अंडे नहीं दे रहे, इसमें मुर्गी मुर्गा दोनों है, अंडे नहीं दे रहे हैं, 4 महीने लगभग हो गए। कितने दिन पे अंडे देते हैं कमेंट करके आप बताइएगा। बाकी मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।